खबरों में आगे बढ़ेंगे तो दिल्ली में कृषि कानून को लेकर बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। बता दें बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने नए कृषि कानून के फायदे बताए इस दौरान। साथ ही उन्होंने कहा कि नए कृषि कानून से किसानों को फायदा होगा, अब किसान अपनी फसलों को कहीं भी बेच सकता है। उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर भी निशाना साधा और कहा कि किसानों को केजरीवाल गुमराह कर रहे हैं। लगातार बीजेपी की कोशिश है कि किसानों को किसी भी तरीके से समझा लिया जाए। और अगर हम दिल्ली की तस्वीर की बात करें तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने किसानों का साथ देने की बात कही थी और इसी बात को लेकर सांसद रमेश बिधूड़ी ने उन पर जमकर निशाना साधा है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी जहां पर रमेश बिधूड़ी ने किसान कानून के फायदे बताए हैं और नए कृषि कानूनों को किसानों के फायदे में ही बताया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि फसलों को अब किसान कहीं भी बेच सकता है। ना रेल के चक्कर में नहीं है, नोटिफाइड हो गया, वो काम देश में चल रहा है, बिल रुका नहीं है, बिल को राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी, सभी डीएम्स को लागू चालू रहेगा, इनके चक्कर में नहीं है, ये वहाँ पे बस बैठे रहेंगे, काम करते रहेंगे। हाँ, बिल को नहीं रोका गया, बिल को तो अगर इसमें कोई अमेंडमेंट करने की बात है पार्लियामेंट आएगी उसको संशोधन में ले आएंगे, अगर ये कोई कहेंगे कि इसमें ये बदलाव कर दो तो सरकार क्लॉज डाल देगी, वो क्लॉज डालने को सरकार तैयार है कि जो इस क्लॉज ये डलवाना चाहते हैं लोग, लिखित में सारी बातें लिखित में है बिल के अंदर, बिल्कुल लिखित में। आप कहो एक हफ्ते बाद में दोबारा बैठ सकता हूँ आपके साथ, मेरे पास ले आओ, देखो बिधूड़ी ये लिखित में नहीं है। आप मत करो 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट, 2 साल का करो, आप मत करो, किसने कहा है, कोई बाउंड नहीं है, किसान किसान हर साल अपनी फसल का अलग कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। क्यों इन्हीं के चक्कर में, ना इनके चक्कर में नहीं है, नोटिफाइड हो गया। तो दिल्ली में बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने नए कृषि कानून के फायदे बताए हैं, वहीं केजरीवाल पर जमकर उन्होंने निशाना साधा है। साथ ही साथ उन्होंने किसानों के लिए कॉन्ट्रैक्ट की बात भी की है और किसान अपनी फसलों को कहीं भी बेच सकता है उन्होंने कहा। तो लगातार कोशिश यही है कि किसानों को मनाया जाए, लेकिन किसान अपनी जिद पर अड़े हुए हैं कि इस कानून को वापस ले लिया जाए।